please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पटना से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे चंद्रमोहन कुमार. सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर आज जेडीयू में शामिल हो सकते हैं. पटना में आज जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी हो रही है जिसमें वो जेडीयू में शामिल हो सकते हैं. चंद्रमोहन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं. चंद्रमोहन, जाना ये चाहेंगे, हालांकि पिछली बार भी चुनावी रणनीतिकार की भूमिका निभाई थी पीके ने, लेकिन इस बार क्या मन बना लिया है चुनाव लड़ने का? बिल्कुल, देखिए जो सूत्रों से जानकारी मिली है और जेडीयू के वरीय नेताओं ने यह कहा है कि प्रशांत किशोर आज पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले नीतीश कुमार के वो एडवाइजर रह चुके हैं. बिहार में नीतीश कुमार जब इससे पहले चुनाव लड़ रहे थे तो पूरी तरह से रणनीति उन्होंने बनाई थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री का पद धारण किए थे, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी में कई बार बातें होगी थी. और आज जो अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रशांत किशोर अब से थोड़ी देर बाद पटना पहुंचेंगे और फिर जब पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक है उसमें शामिल भी होंगे और उसके बाद यह ऐलान होगा कि प्रशांत किशोर आज के बाद अब जेडीयू के नेता हो गए. नजर बना रखे, शुक्रिया. उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में कुछ बदमाश एक बैंक के अंदर लोगों को पिस्तौल दिखाकर धमकाने लगे. आरोप है कि कुछ हथियारबंद बदमाश दिन दहाड़े बैंक में घुस गए और 6 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए. घटना के वीडियो में दिखा कि चेहरे पर कपड़ा बांधे दो बदमाश बैंक में दाखिल हुए और अंदर चले गए. इस दौरान दो बदमाश बैंक के गेट पर खड़े रहे. बदमाशों को देख कैश काउंटर के अंदर खड़ा एक आदमी वहां से भाग गया, जिसके बाद एक बदमाश एक कपड़े में कुछ सामान बांधने लगा. तभी उसके दूसरे साथी भी वहां पर पहुंच गए और एक काले बैग में कुछ सामान डालने लगे. इस बीच एक बदमाश एक बैंक कर्मचारी को धमका कर एक लोहे का गेट खोलने को कहने लगा. बैंक कर्मचारी के गेट खोलते ही बदमाश उसके अंदर चले गए. कुछ देर बाद बदमाश बाहर निकले, जिनमें से एक के हाथ में एक काला बैग था जो कि उसने एक बेंच पर रख दिया और अंदर चला गया. लूट की वारदात को अंजाम देकर सभी बदमाश वहां से फरार हो गए. आतंकी हमलों से निपटने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर तैनात CISF के जवानों को खास तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है. अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट पर तैनात CISF के जवानों को एक गोली से एक शिकार करने की खास ट्रेनिंग दी जा रही है. इस ट्रेनिंग के तहत जवानों को किसी शार्प शूटर की तरह सटीक निशाना लगाना सिखाया जा रहा है. बताया गया कि 1 जनवरी से अब तक CISF के 4,466 जवान शार्प शूटिंग की ट्रेनिंग ले चुके हैं. इनमें 906 जवान क्विक रिएक्शन टीम और एंटी टेरर स्क्वाड में तैनात हैं. आतंकी हमलों से निपटने की इस खास ट्रेनिंग के लिए एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक शूटिंग रेंज भी बनाई गई. CISF ने के मुताबिक 2016 में ब्रसेल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए आत्मघाती हमले से सबक लेते हुए जवानों को ये ट्रेनिंग दी जा रही. यूपी के गवर्नर ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया. उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने की वकालत की. राम मंदिर होना चाहिए, लेकिन राम मंदिर की केस सर्वोच्च न्यायालय में है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अटल विकास यात्रा के दौरान 144 करोड़ रुपए से बनने वाले कार्यों का लोकार्पण किया. भोपाल के शेल्टर होम में दिव्यांग बच्चियों के यौन शोषण के आरोप के बाद CM शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. कड़ी कार्रवाई होगी, कोई छूटेगा. यूपी के बागपत के सुनेहड़ा रेलवे स्टेशन पर कुछ लोगों ने एक लड़के की बेरहमी से पिटाई कर दी और फिर हथियार लहराते हुए वहां से फरार हो गए. उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को भीड़ ने पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया. पटना में गाड़ी में अचानक आग लग गई, गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ. उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पैदल जा रही एक महिला को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. बिहार के गया में एक शौचालय से मिले बम को SSB की टीम ने डिफ्यूज कर दिया. उत्तराखंड के देहरादून में एक महिला ने एक आदमी पर MMS बनाकर रेप करने का आरोप लगाया. बिहार के मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद की जांच करने गए एक ASI को बंधक बनाकर पिटाई करने का आरोप लगा. उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक महिला डॉक्टर के गले से बाइक सवार बदमाशों ने चेन छीन ली. नोएडा पुलिस ने दिल्ली और NCR में गाड़ियों को चुराने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से चोरी की 11 मोटरसाइकिल बरामद की गयी. दिल्ली के JNU में छात्र संघ चुनाव की मतगणना के दौरान छात्रों के दो गुट आपस में हाथापाई करने लगे. बताया गया कि मतगणना में धांधली के आरोप को लेकर ABBP और लेफ्ट संगठन के छात्र गुट आमने सामने आ गए.
और देखते ही देखते दोनों तरफ से हाथापाई शुरू हो गई। वहीं कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई की तरफ से जारी किए गए वीडियो में दोनों संगठनों के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए। हालांकि हंगामे के दौरान दोनों तरफ से कुछ कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर चेन बना ली और लड़ाई न करने की अपील करने लगे। लेकिन इसी बीच हरी टी शर्ट पहने हुए एक आदमी दूसरे पक्ष के एक कार्यकर्ता से भिड़ गया और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई, जिसके बाद वहां मौजूद एक आदमी दोनों आदमियों के बीच में आ गया और लड़ाई रोकने की कोशिश करने लगा। वहीं मारपीट को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे और एबीवीपी ने लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन पर जेएनयू का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोग आए, उन्होंने धक्का मुक्की करी, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा पीटा, हमारे एक कार्यकर्ता का हाथ तोड़ दिया, जिसके बाद एनएसयूआई ने एबीवीपी पर डराने धमकाने का आरोप लगा दिया। जेएनयू के जो स्टूडेंट्स है उन पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे मोर देन 4-5 स्टूडेंट्स हैव बीन अटैक्ड टुडे, बहुत गंदे तरीके से, कुछ लोग हॉस्पिटल में ऑलरेडी एम्स में हैं। बताया गया कि जेएनयू में हुए छात्र संघ चुनाव की मतगणना के दौरान दोनों गुटों के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की खबरें सामने आई। उत्तर प्रदेश के चंदौली में कुछ लोगों ने एक मगरमच्छ को रस्सियों से बांध दिया। वहां गंगा से सटे एक गांव के एक मकान में मगरमच्छ घुस गया, जिसके बाद घर वालों ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और इलाके के लोगों को जानकारी दी, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई। गांव वालों ने वन विभाग की टीम को भी मगरमच्छ के होने की जानकारी दी, लेकिन जब वन विभाग की टीम नहीं पहुंची, तो गांव के ही कुछ लोग मगरमच्छ को पकड़ने में जुट गए। गांव वालों ने रस्सियों की मदद से फंदा बनाकर मगरमच्छ के जबड़े में डाला, लेकिन मगरमच्छ ने जोरदार झपट्टा मारा, जिससे रस्सी का फंदा उसके जबड़े से निकल गया। हालांकि रस्सी का एक फंदा उसकी गर्दन में फंसा रहा। कुछ देर बाद एक आदमी ने मगरमच्छ की पूंछ में रस्सी बांध दी और उसे पूरी तरह बांधने की कोशिश करने लगा। काफी मशक्कत के बाद गांव वालों ने मगरमच्छ को रस्सियों से बांध दिया। मैंने रस्सी मंगवाया एक दो लोगों के सहयोग से, उसको बढ़वा करके घर के अंदर से बाहर निकलवा कर दिया, जिसके बाद मगरमच्छ को वन विभाग की टीम के हवाले कर दिया गया। दिल्ली में एयरपोर्ट के आसपास बनी ऊंची इमारतों पर खतरे की तलवार लटक रही है। DIL यानी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट के आसपास बनी बहुमंजिला इमारतों को नोटिस भेजकर उनकी ऊंचाई के बारे में जानकारी मांगी है। डायल का दावा है कि एयरपोर्ट के आसपास बनी 176 इमारतें ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई विमानों की लैंडिंग के रास्ते में आती है। इन ऊंची इमारतों की वजह से विमानों की लैंडिंग के दौरान खतरा बढ़ जाता है। सिविल एविएशन रूल्स 2015 के मुताबिक एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में बनने वाली इमारतों को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक तय सीमा से ऊंची इमारतों के मालिकों से उनकी ऊंचाई कम करने के लिए कहा जा सकता है और ऐसा नहीं करने पर DGCA यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन तय ऊंचाई से ऊपर किए गए निर्माण को ढा सकता है। हालांकि कुछ इमारतें ऐसी हैं जिनकी छत पर लाल सिग्नल वाली लाइट्स लगाने से सकुशल दूरी का अंदाजा हो जाता है, जबकि कुछ इमारतों की छत पर बनाई गई पानी की टंकियों को भी तोड़ा जा सकता है। हरियाणा के रेवाड़ी में छात्र के गैंगरेप के विरोध में कुछ लोग कैंडल मार्च निकालने लगे। पीड़ित लड़की को न्याय दिलाने के लिए इन लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की और घटना पर विरोध जताते हुए सरकार से आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की अपील की। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। कैंडल मार्च निकाल रहे लोगों में महिलाएं भी शामिल हुई। अगर फांसी हो जाए तो आगे कोई भी ये हरकत करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस बीच प्रशासन ने पीड़ित परिवार को सहायता राशि देने का दावा किया। जो पीड़िता का अधिकार है और उसको इमीडिएट रिलीफ देने के लिए हमने 2 लाख रुपए का उनको चेक दिया है। अधिकारियों ने दावा किया कि पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से कानूनी सहायता दी जाएगी और मुआवजे की रकम के साथ ही केस का खर्च भी सरकार ही उठाएगी। इस बीच अधिकारियों के साथ पुलिस की टीम एक बार फिर से वारदात की जगह पर पहुंची, जहां से सबूत जुटाने और आरोपियों के सुराग तलाशने के लिए जांच की गई। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 1 लाख के इनाम का ऐलान भी किया। 3 लड़के आइडेंटिफाई हुए हैं और जिनकी तलाश में हम लगे हुए हैं और बहुत जल्दी हम इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। पुलिस ने जिन 3 आरोपियों की पहचान का दावा किया है उनमें 25 साल का सेना का जवान पंकज, 19 साल का निशु और 18 साल का मनीष शामिल है। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपियों ने लड़की को नशीला पदार्थ पिलाया था, जिससे तबीयत खराब होने के बाद उसका इलाज एक डॉक्टर से करवाया गया था। आरोप है कि डॉक्टर को मुंह बंद रखने की धमकी भी दी गई थी। बिहार के पूर्वी चंपारण में जमीन विवाद की जांच करने पहुंचे एक ASI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पर कुछ लोगों ने अचानक हमला कर दिया।
एसआई विनोद कुमार इस हमले में घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मामले की जांच के दौरान जिस समय एसआई विनोद कुमार पूछताछ कर रहे थे तभी दूसरे पक्ष ने हमला कर दिया और उन्हें बंधक बना लिया। बाद में मौके पर पहुंचे अतिरिक्त पुलिस बल ने विनोद कुमार को छुड़वाकर इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के बाड़गंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर स्कूल में सफाई की। प्रधानमंत्री वहां स्वच्छता ही सेवा है अभियान का आगाज करने के बाद पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने अंबेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ाकर उन्हें नमन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी स्कूल के दूसरे हिस्से में भी पहुंचे और वहां रखी एक झाड़ू को उठा लिया। प्रधानमंत्री ने वहां झाड़ू लगाकर सफाई की और अपने हाथों से वहां पड़े कचरे को उठाने लगे। इस बीच उनके पास पहुंचे एक आदमी ने कचरा उनके हाथों से लिया और चला गया। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर झाड़ू से उस जगह की सफाई करने लगे। कचरा इकट्ठा करने के बाद प्रधानमंत्री ने फावड़े की मदद से उसे एक जगह जमा किया। प्रधानमंत्री को सफाई करते देख वहां मौजूद बच्चे उत्साहित हो गए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी हाथों में झाड़ू लेकर बच्चों के पास चले गए और उनसे बात करने लगे। मैं आज आया था बाबा साहब अंबेडकर के पवित्र कार्य को प्रणाम करने के लिए। बच्चे भी प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर काफी खुश हुए। ये बच्चे इनको सफाई के मंत्र देकर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से निकले हैं और बच्चे काफी ज्यादा उत्साहित हैं। जब प्रधानमंत्री वहाँ से जाने लगे तो बच्चों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जगहों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर स्वच्छता ही सेवा है अभियान का आगाज किया, जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन, रतन टाटा, जग्गी वासुदेव समेत देश के कई राज्यों से लोग जुड़े और सभी ने स्वच्छता को लेकर अपने अनुभव प्रधानमंत्री के साथ साझा किए। प्रधानमंत्री ने भी जानी मानी हस्तियों समेत आम लोगों से भी स्वच्छता को लेकर बात की। 4 वर्ष पहले आपने देश का परिचय करवाया इस अभियान से और तब से अपने आप को एक देश का नागरिक समझकर मुझे लगा कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इस अभियान के साथ जुड़ूं। स्वच्छता ही सेवा अभियान गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर तक चलेगा। बीजेपी ने वज्रमाल्या को कांग्रेस का तोता बताया। बिहार के भागलपुर में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने वज्रमाल्या को कांग्रेस का तोता बताया। कांग्रेस पार्टी की वज्रमाल्या से सेटिंग है, वज्रमाल्या कांग्रेस का तोता है। बिहार के बक्सर में हेल्थ और वेलनेस सेंटर के उद्घाटन के मौके पर बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे के सामने कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। जयपुर में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने सेना में भी आरक्षण की मांग की। फरीदाबाद में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर की साइकिल रैली में डांसर को बुलाया गया। पंजाब के जालंधर में थाने पर बम से हमले की जिम्मेदारी खालिस्तान समर्थक गुट भिंडरावाला टाइगर फोर्स ऑफ खालिस्तान ने ली। छत्तीसगढ़ के कांकेर में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से लौट रही बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के खंडवा में कुपोषण दूर करने के लिए 2.5 साल के बच्चे को गर्म सरिये से दागा गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पोली हाउस नाम की एक कंपनी पर किसानों से 20 करोड़ की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया।